हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इसका अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये मूव करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ओके, चलिए तो इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर को, तो ये चलता है। मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, फिर उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है, या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर देता है, जिससे मशीन के बहुत सारे पार्ट्स मूव करते हैं। और मशीन के मूव होने से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है ना, या मिक्सर ग्राइंडर जूसर हो गया, या कार का पहिया चल रहा है, या इस तरह के जो भी डिवाइसेस हैं जहाँ पर मोशन हो रहा है, जैसे विंड मिल हो गया। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रिसिटी देने पर कोई पार्ट्स मूव कर रहा है, किसी मशीन का पार्ट मूव कर रहा है, जिससे हमको कुछ मिल रहा है आउटपुट, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर का ज़रूरत होता है। ठीक है, वाटर पंप जैसे हो गया, पानी खींचने के लिए होता है, काफ़ी गहराई से ऊपर तक, काफ़ी ऊँचाई तक, तो उन सब में मोटर लगा रहता है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मशीनों का, जो हम लोग अधिकतर यूज करते हैं मशीनें, उसमें अधिकतर में इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है। और मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर हमारे काम आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर यूज टू रन और मूव मैनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स एंड देयर पार्ट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर ई डॉट मैंने लिखा है, ई डॉट मीन्स इलेक्ट्रिक, है ना, शॉर्ट मैंने लिखा है क्योंकि स्पेस कम है। सो इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू रन और मूव, मतलब चलाना हो या मूव कराना हो किसी मशीन को, किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को या उसके पार्ट्स को, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग को चाहिए। यानी किसी भी मूविंग मशीन में या अधिकतर मशीनों के अंदर इंटरनल पार्ट में इलेक्ट्रिक मोटर रहता है, तभी वो मशीन काम करता है, उसके पार्ट्स मूव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक फैन हो गया, मैंने केवल फैन यहाँ लिखा है। फैन दो तरह के होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फैन ही मार के चलना है ना। इलेक्ट्रिक फैन, वाटर पंप, वॉशिंग मशीन, मिक्सर जूसर ग्राइंडर, कार का या कोई भी व्हीकल का जो पहिया होता है, व्हील होता है बाइक का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे मशीन के जो पार्ट्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वैसे ही हमको उसमें मूवमेंट दिखता है, जो हमारे उस पार्टिकुलर मशीन के लिए ज़रूरी है। जैसे हमको हवा लेना है तो पंखे का पत्ता या उसके जो हैंड्स होते हैं वो घूमने चाहिए, तो तभी घूमेगा जब मोटर घूमेगा, है ना। तो ये चीज़ हो गई। चलिए, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है इसके बारे में आपको पता चल गया। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो किस सिद्धांत जिसको बोलते हैं, तो इसका मेन जो बेसिस है वो है, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें करंट पास करते हैं तो मैग्नेटाइज हो जाता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है, और फिर वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में मूव करने लगता है। क्योंकि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उस पर फोर्स क्रिएट करता है, और उस फोर्स की वजह से जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मूव करने लगता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर फिनोमेना, वही बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है कि किस तरह वो, इसका बेसिक नेचर क्या है काम करने का, वो है वेल रेक्टेंगुलर कॉइल। मोस्टली जो हम लोग को सिलेबस पढ़ना है तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर कॉयल लेना है, इस आकार का ए बी सी डी जो हम लोग देख रहे हैं, उसको वायर को आगे तक एक्सटेंड किया गया है, जोड़ा गया है। तो जब कोई रेक्टेंगुलर कॉयल या कोई भी कंडक्टर हम लोग लेंगे और उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देंगे, ये हमारा मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट ले सकते हैं, सबसे बढ़िया हॉर्स शू मैग्नेट होता है, क्योंकि उसके दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं, पोल्स होते हैं, पास में होते हैं, तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। बट हॉर्स शू मैग्नेट कुछ इस तरह का है, और भी कोई मैग्नेट यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो एक परमानेंट मैग्नेट के दो पोल्स हैं, उसके बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर आकार का कंडक्टर रख दिया, कॉयल रख दिया, वायर। ठीक है, कैसा वायर, लपेटा हुआ है, उसी को कॉयल बोलते हैं। तो और इस वायर को फिर हमने सर्किट से जोड़ दिया, पावर सप्लाई दे दिया, तो क्या होगा कि ये जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये भी मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। शुरू में तो ये मैग्नेट की तरह काम करता नहीं, लेकिन जैसे ही करंट इसमें पास होगा वैसे ही ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। शुरू में मैग्नेट की तरह काम क्यों नहीं करेगा, कि मोस्टली हम लोग जो ये वायर लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप का, ये कॉपर का लेते हैं, और कॉपर जो है मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है,
जैसे आयरन, स्टील, निकल, ये सब अट्रैक्ट होती है मैग्नेट से, लेकिन कॉपर नहीं होती है। कॉपर तभी अट्रैक्ट होगी जब वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, अच्छा कंडक्टर होता है कॉपर, तो वैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा, यानी मैग्नेट बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। तब इस बाहर वाले परमानेंट मैग्नेट के इफेक्ट की वजह से इसमें मूवमेंट होगा, है ना, इस वायर में, ABCD नाम का जो वायर है इसमें मूवमेंट होगा। तो वही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि इफ़ देयर इज ए कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों मैग्नेट के बीच में रखा है, इन दोनों मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे होगा, है ना, यहीं पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव करेंगी, ठीक, तो मैग्नेटिक लाइंस या फील्ड लाइंस इधर ही मूव करेंगी, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, नॉर्थ साउथ पोल का ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी फील्ड में रखा गया है हमारा वायर। और जब इस वायर को हम लोग करेंट से या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से जोड़ेंगे तो वैसे ही ये भी मैग्नेट की तरह काम करेगा, और ये नॉर्थ साउथ पोल वाले जो परमानेंट मैग्नेट हैं उनके अगेंस्ट ये मूव करेगा या उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और उसकी वजह से मूवमेंट होगा। तो वो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स की वजह से होता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई मैग्नेट जो होता है किसी अन्य चीज़ पे, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स डालता है और उस वजह से उसमें मूवमेंट देखा जाता है ना, तो वही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि वैन ए रेक्टेंगुलर वायर और कॉयल इज टेकन इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड वैन करेंट पास थ्रू इट, देन देयर इज ए फोर्स जनरेटेड विच मेक इट मूव कंटिन्यूअसली, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस मोटर। ओके, फिर आता है कंस्ट्रक्शन पार्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पार्ट में आपको, ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिख दिया है, आपको शॉर्ट में पॉइंट वाइज लिखना है क्या चीज़, क्या क्या इसके अपरेटर्स हैं, किन 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 पार्ट्स को मिलाकर इसको मोटर को बनाया गया है, ठीक है, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट क्या मतलब, सभी पार्ट्स को आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पर कि कौन कौन से पार्ट्स हम लोग ने लिए हैं जिससे हमारा ये मोटर तैयार हुआ है। तो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। जब भी आपको पेपर में पूछेगा तो आपको सिंपल सा पहले उसका डिटेल थोड़ा सा लिखना है एक दो सेंटेंस में कि उसका काम क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का, देन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सेम रहेगा मोटर के केस में, है ना, कि कोई भी वायर वगैरह रखे रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें करंट पास होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्रिएट होगा जिसकी वजह से वो घूमेगा, दिस इज द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल रहेगा कॉमन। और फिर कंस्ट्रक्शन में आपको उन सारे पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है जो मिला करके हमारा मोटर बना रहे हैं, ठीक है, उसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप पिक्चर आपके माइंड में रहना चाहिए, तो आपको पता है कि हमको एक परमानेंट मैग्नेट लेना है। परमानेंट मैग्नेट यानी ऐसा मैग्नेट जिसमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रहता है ना, जैसे चुंबक हम लोग बोलते हैं। एक तो होता है टेम्प्रोरी मैग्नेट, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी तार, कोई वायर, इसमें करंट पास करेंगे तो मैग्नेट की तरह रहेगा, खींचेगा चीज़ों को, और जैसे करंट हटाएंगे वो नॉर्मल चीज़ हो जाएगा, उसमें मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो हम लोग परमानेंट मैग्नेट लेंगे, ठीक है, पहला हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। और रेक्टेंगुलर कॉयल लेंगे, किसके बीच में रखेंगे, रेक्टेंगुलर कॉयल का नाम कुछ ABCD रख देंगे, चौकोर आकार का, लगभग वायर उसको थोड़ा टेढ़ा करके चौकोर आकार दिया रहेगा, और चौकोर या रेक्टेंगुलर शेप दिया रहेगा, और उसको किसके बीच में रखेंगे, परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखेंगे। ये भी लिखते जाएंगे कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में, थोड़ा थोड़ा ही लिखेंगे कि रेक्टेंगुलर कॉयल ABCD इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ, बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट, बस। उसके बाद क्या है, ये फिर जो रेक्टेंगुलर कॉयल है ये आ गया नीचे तक, अब ये नीचे आकर किससे जुड़ गया है, स्लिप स्प्लिट रिंग से, स्प्लिट रिंग, ठीक ना, यहाँ पे दो आधे आधे रिंग हैं, इनको स्प्लिट रिंग बोलते हैं, थोड़ा सा इनके बीच में गैप है, तो एक स्प्लिट रिंग से दूसरे स्प्लिट रिंग से दोनों वायर जुड़ा हुआ है। ओके, एक का नाम S1 रख देते हैं, एक का नाम S2, स्प्लिट रिंग 1, स्प्लिट रिंग 2। स्प्लिट नाम इसका क्यों पड़ा है, क्योंकि स्प्लिट है, कटा हुआ है, एक पूरा रिंग नहीं है, ठीक है, तो आधा रिंग इस वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है और आधा रिंग जो है इस वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग जो है किसी भी मेटल का बना रहता है, जनरली ये किसका बना रहता है, कॉपर का, क्योंकि कॉपर अच्छा कंडक्टर है, तो स्प्लिट रिंग जो बना है, आधा कटा हुआ रिंग जैसा स्ट्रक्चर, वो हमारा कॉपर का बना हुआ है, एक हाफ इधर एक हाफ इधर, थोड़ा थोड़ा उनके बीच में गैप कटिंग है, दैट इज वाई दे आर नोन एज स्प्लिट रिंग, ठीक। और इन स्प्लिट रिंग को क्यों यूज किया जाता है,
क्योंकि इनका काम होता है कम्यूटेटर के जाने की तरह। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर, कम्यूटेटर आप पढ़े होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मैथमेटिक्स में, तो उसी शब्द से बना है। कम्यूटेटर मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज करने वाला, तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। कम्यूटेटर जो है करंट के डायरेक्शन को चेंज करेगा इस रेक्टेंगुलर क्वायर में, इसलिए स्प्लिट रिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग समझेंगे कैसे इसका इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, इसको मैं वर्किंग में समझाऊँगा आपको, ओके। तो दो स्प्लिट रिंग लगाए गए हैं जो हमारे रेक्टेंगुलर क्वायर से जुड़े हुए हैं। एक स्प्लिट रिंग S1 जुड़ा है AB वाले साइड से, दूसरा S2 जुड़ा है CD वाले साइड से। इस तरह से सिंपल सेंटेंस में आप लिख सकते हैं, ओके। अब उसके बाद ये जो स्प्लिट रिंग है इनके साइड में जो देख रहे हैं आप क्या लगा हुआ है, कार्बन ब्रशेस। क्या लगा हुआ है? कार्बन ब्रशेस, यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन ब्रशेस। उसको हम लोग नाम दे सकते हैं बी वन बी टू, ब्रश वन ब्रश टू। अब ये कार्बन ब्रश क्या है? कार्बन ब्रश यानी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप जानते होंगे एक अच्छा कंडक्टर होता है, नॉन मेटल है बट अच्छा कंडक्टर है। तो ग्रेफाइट का एकदम महीन सा जैसे ब्रश होता है, टूथ ब्रश वगैरह रहता है, कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे फाइबरस इसको स्ट्रक्चर जैसा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ रहता है, पूरा ग्रेफाइट से बना रहता है, ठीक है। तो इस कार्बन ब्रश का काम क्या है कि ये बस यहीं पे फिक्स रहेगा हमारे मेन वायर से, सर्किट के वायर से, यहाँ से ये वाले वायर से, इन दोनों वायर से, और स्प्लिट रिंग को टच करता रहेगा, ठीक है। स्प्लिट रिंग्स जो है S1 S2 उससे फिक्स नहीं रहेगा, उस पर बस टच करता रहेगा जैसे ऐसे। ये हमारा मान लीजिए आधा स्प्लिट रिंग है, ये हमारा कार्बन ब्रश है, तो ये बस टच करता रहेगा, स्प्लिट रिंग घूमता रहेगा। आगे हम लोग समझेंगे फंक्शनिंग में, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन ब्रश हो गया जो ग्रेफाइट का बना होता है, और ये कंडक्टिविटी के लिए होता है, साथ में कॉन्टैक्ट बनाने के लिए होता है। कॉन्टैक्ट कैसा? केवल वो टच करता रहता है स्प्लिट रिंग को, उससे अटैच नहीं रहता है या फिक्स नहीं रहता है, ठीक। उसके बाद सिलिंड्रिकल एक्सल, और इस स्प्लिट रिंग के अंदर से एक रॉड गया रहता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा स्प्लिट रिंग एक आधा ये और एक आधा ये, ठीक, और उसके बीच में एक रॉड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमारा ये एक्सेल हो गया, और दो आधे आधे स्प्लिट रिंग एकदम फिक्स उसमें रहता है, ठीक है, जिसके अराउंड ये घूमता रहता है स्प्लिट रिंग, ओके। चलिए ये समझ में आ गया। उसके बाद बाकी चीज़ें आप देख ही रहे हैं, बैटरी एक दिया गया है पावर सप्लाई के लिए, है ना, करंट सप्लाई हो, और फिर स्विच है स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए, सर्किट को क्लोज करने के लिए या ओपन करने के लिए, है ना। तो ये सारे पार्ट्स हैं, दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट। इसको आप पॉइंट वाइज इसी तरह लिख देंगे, क्या क्या लिख देंगे, बस आपको पिक्चर माइंड में रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। कि परमानेंट मैग्नेट लेंगे, एक रेक्टेंगुलर कॉयल लेंगे, रेक्टेंगुलर कॉयल दोनों मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट के पोल्स के बीच में रहेगा, यानी उसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रहेगा, ठीक। अब ये रेक्टेंगुलर कॉयल को आर्मेचर भी बोलते हैं, ARMATURE, आर्मेचर। आर्मेचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक पार्टिकुलर शेप बन रहा है, और ये जो हम लोग रेक्टेंगुलर शेप दे रहे हैं, मान लीजिए कोई वायर है ना, मान लेते हैं कोई वायर है, ठीक, तो इसको टेढ़ा करके रेक्टेंगल शेप दिया गया है, जैसे यहाँ पे बनाए। अब इसमें कॉयल लिखा है, सब वायर नहीं लिखा है, कॉयल। कॉयल मतलब क्या है कि ये जो शेप है ये क्या है, ये सॉफ्ट आयरन का बना है। किसका बना है? सॉफ्ट आयरन। हमने पिछले क्लासेस पढ़ा था कि सॉफ्ट आयरन एक बेस्ट मटेरियल होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से मैग्नेटाइज होता है ना, एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल। तो सॉफ्ट आयरन का, सॉफ्ट आयरन हम लोग लिए हैं और उसको एक स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल का शेप दे दिए हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन ही क्यों लिए हैं? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, बहुत तेज़ी से मैग्नेटाइज होता है। अब उस आयरन के ऊपर, जो आयरन का ये रेक्टेंगल शेप बनाए हैं सॉफ्ट आयरन का, उसके ऊपर वायर लपेट दिए, उसके ऊपर एकदम क्लोज पैकिंग किए हैं, जैसे सोलेनाइड का केस हम लोग पढ़ रहे थे सिमिलरली, ठीक है। तो उसी को, मतलब ये हम लोगों ने तो सीधा बना दिया है, इस पर मान के चलिए कि क्वाइलिंग हो चुकी है। उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो क्लियर नहीं होगा।
इसलिए लेकिन मान के चलिए कि जो रेक्टेंगुलर शेप का कॉयल है ये सॉफ्ट आयरन का बना है और इस पर कॉपर का वायर लपेटा भी गया है, ओके, जिस वजह से यहाँ पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जैसे ही करंट यहाँ पहुँचेगा इस रेक्टेंगुलर कॉयल के अंदर, ओके। तो हमारा परमानेंट मैग्नेट हो गया और रेक्टेंगुलर कॉयल जो हो गया नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हो गया। अब रेक्टेंगुलर कॉयल का दो एंड जो है दो स्लिट से जुड़ गया, एक स्लिट वन और एक स्लिट टू, सॉरी स्लिट नहीं स्प्लिट रिंग उसको बोलते हैं, स्प्लिट रिंग, रिंग जैसा है ना। तो दोनों एंड जो रेक्टेंगुलर वायर का है या कॉयल का है, कॉयल बोलेंगे वायर नहीं, वो एक एंड जो है स्प्लिट रिंग वन से जुड़ा है जिसको S1 बोलते हैं, दूसरा दूसरे एंड स्प्लिट रिंग से जुड़ा है जिसको S2 बोलते हैं, और इस स्प्लिट रिंग के अंदर से एक एक्सल गया है, एक्सल जिसके अराउंड कोई चीज़ घूमता है, जैसे आप साइकिल देखते होंगे साइकिल की तीली ऐसे ऐसे निकली होती है, एक सेंटर में एक्सल होता है उसके अराउंड ही वो साइकिल का पहिया घूमता है ना। तो जो मिडिल पार्ट होता है उसको एक्सल बोलते हैं, तो ये एक्सल है जो स्प्लिट रिंग से अंदर से होता हुआ गया है, और स्प्लिट रिंग से अटैच ही है हमारा, जस्ट अटैच है मतलब टच कर रहा है, उससे फिक्स नहीं है। स्प्लिट रिंग को टच करता हुआ दो कार्बन ब्रश है दोनों साइड, एक का नाम B1 है ब्रश 1, एक नाम B2 है ब्रश 2। अभी कार्बन ब्रश किसके बने हुए हैं, एक कार्बन ब्रश बने हुए हैं ग्रेफाइट के जो अच्छा कंडक्टर होता है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये जो करंट सप्लाई यहाँ से होगा तो उसको यहाँ पे टच करता रहेगा, क्योंकि ये स्प्लिट रिंग मूव करेगा, तो उसके साथ साथ अगर ये आगे मैं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, अभी तो फर्स्ट पार्ट्स को समझ लेते हैं, पार्ट्स क्या क्या हैं, दैट्स इट, उसका फंक्शनिंग हम लोग वर्किंग में समझेंगे, ओके। तो ये हो गया स्प्लिट रिंग, हाँ ये हमारा कार्बन ब्रश हो गया जो ग्रेफाइट का बना होता है, स्प्लिट रिंग कॉपर का, मोस्टली कॉपर का ही बना रहता है, ठीक है। तो ये रिंग बना हुआ है, ओके, बाद उसके बाद है एक कनेक्टिंग वायर है और जो हमारा स्विच से और बैटरी से या पावर सप्लाई के सेंटर से जुड़ा हुआ है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोटर। और इसको स्पेशली कौन सा मोटर बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे डीसी मोटर। डीसी मोटर क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन फिक्स है, देखिए प्लस एंड है तो करंट ऐसे ही मूव करेगा, है ना, ऐसे जाएगा करंट ऐसे मूव कर रहा है, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह का है ना। करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह का है, डायरेक्ट बैटरी से चला रहे हैं हम लोग, बैटरी या जो भी मतलब कोई पावर सप्लाई जो फिक्स हम लेते हैं जहाँ पे टर्मिनल फिक्स होते हैं और जहाँ पे डायरेक्ट करंट मिलता है उसको डीसी वाला सप्लाई बोलते हैं। तो ये डीसी वाला मोटर का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों टर्मिनल फिक्स हैं, कहाँ से करंट निकलेगा और कहाँ तक जाएगा, ये नहीं कि करंट बार बार चेंज करेगा, एसी वाला काम यहाँ नहीं हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट का ये नहीं, डीसी मोटर का बात कर रहे हैं, ठीक, जिसमें टर्मिनल्स फिक्स हैं पावर सप्लाई के कि कहाँ से करंट मूव करेगा और कहाँ तक जाएगा, ओके। चलिए तो ये समझ में आ गया, प्रिंसिपल आपको याद रहना चाहिए, बना के ले सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है, जब भी पूछेगा किसी मोटर के बारे में जनरली डीसी मोटर का ही पूछेगा, यही क्वेश्चन में है आपके, तो मोटर क्या है उसके बारे में लिखेंगे क्या काम करता है, फिर उसके बाद सीधे प्रिंसिपल पे आएंगे, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो प्रिंसिपल यही है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई वायर रखा जाएगा, जनरली रेक्टेंगुलर कॉयल ही रखा जाता है, तो अगर उस रेक्टेंगुलर कॉयल में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें रोटेशन होता है और ये रोटेशन लगातार चलता रहेगा और इसकी वजह से हमारा जो मशीन है या मोटर है चलने लगता है। ये हो गया प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन में सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब आप कर देंगे एक एक सेंटेंस में, उनके नाम लिख देंगे, कहाँ कहाँ पे कौन सा चीज़ जुड़ा हुआ है ये लिख देंगे, दैट्स इट। अब उसके बाद आता है वर्किंग, ये करता काम कैसे है, सारे कनेक्शन तो पता चल गए कौन कौन सा पार्ट क्या है, अब ये फंक्शन कैसे करता है ये जानना हमको है ना, हमको ये जानना है ये फंक्शन कैसे करता है, तो हमको जानना है कि ये फंक्शन कैसे करता है, ओके। ठीक है,
तो हमको इसका फंक्शन समझना है। चलिए, फंक्शन या वर्किंग जो बोलते हैं, है ना, वर्किंग इसका समझना है। तो इसको मिटा देते हैं, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वर्किंग पे। वर्किंग किस तरह से ये वर्क करता है ना। तो वर्किंग इसका हेडिंग लिख देते हैं, वर्किंग को भी आप बहुत ज्यादा लॉन्ग लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में पॉइंट वाइज 4-5 सेंटेंस में आप एंड कर सकते हैं। पूरी चीजों को समझ लीजिए पहले, और जब एग्जाम में आएगा तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी दिया है, तो उस तरह का नहीं करना आपको, है ना। ओके, ये हो गया हेडिंग हमारा, वर्किंग ऑफ कंप्यूट सॉरी मोटर, मैं कंप्यूटर बोल रहा था। तो मोटर कैसे वर्क करता है इसको समझना है ना। तो चलिए पहले समझते हैं, फिर इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं, है ना। तो चलिए ये क्या रह गया है, 1 मिनट। हाँ, आई होप सब दिख रहा होगा क्लियर। हाँ ओके, चलिए तो बात हो रही है कि कैसे ये फंक्शन करता है, हाँ, और किस पार्ट का क्या रोल है, उसको और डिटेल में हम लोग यहाँ समझेंगे। तो ये सारा सेटअप लगा हुआ है। अब मान लीजिए स्विच ऑन किया मैंने, है ना, स्विच ऑफ कंडीशन में सारा सेटअप लगा हुआ है। अब मैंने कर दिया स्विच ऑन, अब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करेगा, ऐसे वायर में होते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे होकर इधर रिटर्न हो जाएगा, ठीक। अब करंट जैसे जाएगा तो ये जो रेक्टेंगुलर कॉयल है, जो सॉफ्ट आयरन पे का कॉपर वायर को लपेट कर बनाया गया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। करंट जैसे ही पास होता है किसी चीज़ में, किसी कंडक्टर में, तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, तो मैग्नेट की तरह काम करेगा, है ना, ये होगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, और साथ में बाहर पे भी एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, उन दोनों के बीच के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ गया है। एक तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, करंट पास होगा, ऊपर से ये बाहर से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट का है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगा, है ना, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे, और उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है ना। जैसे हम लोग मान लीजिए हमारा चुंबक है, और ये मेरा कोई आयरन का चीज़ है, इसके पास लाएंगे तो चिपक जाएगा ऐसे, है ना, यानी मूवमेंट होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे जनरेट इसमें होगा, तो ये अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी इसमें मूवमेंट दिखाई देगा। अब वो मूवमेंट किस तरफ होगा ये समझना हमको। ओके, तो देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो किधर से किधर मूव करेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी, दैट इज फिक्स। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है ना, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो करंट इस टर्मिनल में, अगर ए बी वाले वायर की बात करें, ए बी वायर में अगर हम बात करें, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को मूवमेंट पता करना है कि किस तरफ फोर्स क्रिएट होगा। जिस तरफ फोर्स क्रिएट होगा उसी तरफ हमारा ये वायर मूव करेगा, है ना, ठीक। तो हम लोग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है पहला उंगली, बीच वाली उंगली जो है ये किसका इंडिकेशन है, ये हमारा करंट का, और थंब हमारा जो है फोर्स या मूवमेंट का या मोशन का इंडिकेशन देगा, ठीक है। अब हमारा करंट कैसे ऊपर जा रहा है, इस तरफ देख रहे हैं ए बी वाले पॉइंट में। ये ए बी वाला जो टर्मिनल है इस वायर का, रेक्टेंगुलर टर्मिनल, उसका ए बी पार्ट में देख रहे हैं, इधर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे मूव करते हुए, ठीक है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमको इस तरह से कुछ अपना पोजीशन करना पड़ेगा, हैंड लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये मेरा उंगली जो है बीच वाली उंगली करंट को दिखा रहा है ऊपर की तरफ, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड का इंडिकेशन क्या है उंगली का, इधर जो सही दिखा रहा है नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, करंट ऊपर की तरफ, और मेरी जो ये उंगली है थंब जो है ये बोर्ड के अंदर की तरफ इंडिकेट करी, बोर्ड के अंदर की तरफ इंडिकेट करी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आर्मेचर है
या रेक्टेंगुलर कॉयल है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा एक तरह से, कि जब हमारा अंगूठा टूवर्ड्स द कॉपी या टूवर्ड्स द बोर्ड की तरफ रहेगा, डेट मीन्स कि हमारा जो वो ये साइड है नीचे की तरफ जाएगा, ए बी साइड जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये जाएगा नीचे की तरफ। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बता दिया कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, क्योंकि हमारा थंब टूवर्ड्स द बोर्ड है ना, इसलिए। ओके, अब उसके बाद करंट आगे मूव करेगा पूरे सर्किट में, पूरा सर्किट तो कंप्लीट करना ही है उसको। करंट आगे मूव किया, फिर यहाँ पर आया, है ना, यहाँ पर आया। अब यहाँ पे क्या है, अब ये देखिए, यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल है, तो यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जो भी प्रभाव होगा नलीफाई हो जाएगा, है ना। तो हम लोग मेन कौन सा देखते हैं, एक करंट के जाने का रास्ता, ये ए बी पार्ट और सी डी पार्ट को देखते हैं, उसी की वजह से फोर्स क्रिएट होगा। और जो करंट जो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, उसका कोई प्रभाव खास नहीं पड़ेगा, तो हम लोग केवल ए बी और सी डी पार्ट्स के मूवमेंट को देखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो ए बी पार्ट में उनको पता चल गया कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, सही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है नॉर्थ से साउथ, सही है, और थंब मेरा वाइट बोर्ड की तरफ जा रहा है अंदर की तरफ, दैट मीन्स ये ए बी हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा। ओके, अब इधर देखते हैं, यहाँ पे करंट नीचे आ रहा है। अब हमको लेफ्ट हैंड रूल का ध्यान दें, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड रूल का ध्यान दें, करंट क्या आ रहा है नीचे, ये हमारा करंट वाली उंगली होगी मिडिल फिंगर, ये नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड वाली इंडिकेशन, और ये थंब बाहर की तरफ, ये आप देख रहे होंगे, है ना, दिख रहा है। तो इससे हमको क्या पता चला, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सही दिखा रहा है नॉर्थ टू साउथ, ये उंगली, ये करंट नीचे आ रहा है इस साइड में सीडी में, सही है, और थंब हमारा हमारी तरफ आ रहा है ना, मतलब बोर्ड से बाहर निकल रहा है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स ये पार्ट ऊपर की तरफ उठेगा, हमारी तरफ जो थंब अगर रहेगा, दैट मीन्स मूवमेंट क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और अगर थंब टूवर्ड्स द बोर्ड होगा, अंदर की तरफ उसके रहेगा, दैट मीन्स वो पार्ट नीचे आएगा। तो ये पार्ट नीचे गया और ये पार्ट ऊपर आएगा, है ना, तो इसको इस तरह से इंडिकेट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ये पार्ट नीचे जाएगा ए बी पार्ट, और जो हमारा सी डी पार्ट है वो ऊपर जाएगा, है ना, समझ गए आप। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा समझने में, ये मान लीजिए एक डब्बा है मेरे पास, इससे समझाता हूँ। डब्बे को मान लीजिए रेक्टेंगुलर कॉयल है, और इसमें आगे वायर है, और फिर वो स्प्लिट रिंग वगैरह से अटैच्ड है, केवल इसको हम लोग समझते हैं, इसके मूवमेंट को समझेंगे तो बाकी इसका मूवमेंट भी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये जो डब्बा है, ये हमारा हो गया एक रेक्टेंगुलर कॉयल, ठीक है, जिसको आर्मेचर बोलते हैं। अब यहाँ से ये दो वायर से कनेक्टेड है, मान लीजिए ये दो वायर से कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे स्प्लिट रिंग वगैरह लगा है। अब ये कैसे मूव कर रहा है, देखिए, ये ए बी वाला जो पार्ट है, ये हमारा ए बी मान लेते हैं, ये और ये, ठीक। तो ए बी वाला पार्ट क्या है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अगर हम लोग देख रहे थे, इस तरह से कर रहे थे, तो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और थंब मेरा बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ यानी ये पार्ट नीचे जाएगा ऐसे, और यहाँ पे सी डी साइड में देख रहे थे तो थंब हमारा बाहर की तरफ आ रहा था, है ना, ये हमारा मोबाइल की तरफ, है ना, तो यहाँ पे ये पार्ट ऊपर उठ रहा है, तो इस तरह से मूवमेंट ये हो रहा होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉयल मूव करता है। जैसे मैं ये डिब्बे को मूव करा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर है, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, इस तरह से ये मूवमेंट होता है। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा कि ये रेक्टेंगुलर कॉयल किस तरह से मूव करता है। ओके, अब रेक्टेंगुलर कॉयल जो है हमारा यहाँ तक जुड़ा है, किससे जुड़ा है, स्प्लिट रिंग से, है ना, रेक्टेंगुलर कॉयल जो है हमारा वो स्प्लिट रिंग से जुड़ा हुआ है, और स्प्लिट रिंग से फिर स्प्लिट रिंग से क्या है, स्प्लिट रिंग से हमारा कार्बन ब्रश जुड़ा है बाकी जो पार्ट्स हैं हमारे, तो जब ये घूमेगा तो स्प्लिट रिंग भी इसके साथ घूमेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं दो स्प्लिट रिंग है, और इससे फिर दो, ये स्प्लिट रिंग है ना, ये दोनों स्प्लिट रिंग है, और इससे एक सीधा वायर गया, फिर रेक्टेंगुलर वायर से वो अटैच है पूरा। ठीक, तो जैसे ये नीचे हिस्सा आएगा तो स्प्लिट रिंग भी ऐसे से घूमेगा। ठीक है, ये स्प्लिट रिंग जो है घूमता जाएगा, S1
मतलब S1 इधर है, S2 इधर है, लेकिन जब घूमेगा तो S1 इधर आ जाएगा, S2 इधर आ जाएगा, पूरा घूम जाएगा। लेकिन ये कार्बन ब्रशेस नहीं घूमेंगे, ठीक है? कार्बन ब्रशेस जहाँ पर है वही रहेंगे ये, क्योंकि हमारे मेन सर्किट के वायर से, नीचे वाले वायर से अटैच हैं ये। केवल क्या है, हमारे स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में रहेंगे। जब स्प्लिट रिंग हमारा घूमता रहेगा तो यहाँ से टच में रहेंगे, स्प्लिट रिंग के टच में रहेंगे, ताकि सर्किट कंप्लीट रहे, है ना? कभी भी सर्किट इनकम्प्लीट या ब्रेक ना हो जाए, ठीक? तो ये स्प्लिट रिंग मेरा ऐसे से घूमेगा, और स्प्लिट रिंग के साइड में जैसे जैसे स्प्लिट रिंग घूमेगा, ये कार्बन ब्रश उसको टच करता जाएगा और करंट का कंटिन्यू पाथ फॉलो होता रहेगा, ठीक? तो ये जो आर्मेचर हमारा घूम रहा था, जैसे मैंने एक बॉक्स देकर बताया था, तो उसके साथ साथ पूरा ये पूरा स्ट्रक्चर स्प्लिट रिंग को लेकर के पूरा ऐसे घूमेगा, ठीक? और स्प्लिट रिंग को लेकर जब घूमेगा तो एक बार स्प्लिट रिंग S1 इधर, S2 इधर, घूमने के बाद S2 इधर आ जाएगा, S1 इधर आ जाएगा, लेकिन कार्बन ब्रश हमारे वहीं फिक्स पोजीशन में वायर से अटैच रहेंगे और स्प्लिट रिंग को बस टच करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा ये स्प्लिट रिंग घूम रहा है और ये मेरा कार्बन ब्रश है, ऐसे ऐसे घूम रहा है और ये कार्बन ब्रश टच करते जा रहा है, इस तरह से इसका अरेंजमेंट लगा रहता है कार्बन ब्रश का, ठीक है? और कार्बन ब्रश अगर अटैच रहेगा तो करंट का फ्लो होता रहेगा करंट, और सर्किट कंप्लीट रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है, क्लियर? थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, बाकी कुछ ना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब ये बात आई कि ये स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल क्यों हो रहा है ना, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा कि स्प्लिट रिंग यूज ही क्यों करते हैं, सीधे वायर, ये वायर ही लगा देते हैं इस वायर में, है ना? ऐसा भी क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि जो आर्मेचर है या रेक्टेंगुलर कॉयल जो है, इसको स्प्लिट रिंग से क्यों जोड़े हैं, कार्बन ब्रश क्यों लगाए फालतू में, सीधे वायर से जोड़ दें इस नीचे वाले सर्किट से, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके करने के बाद क्या होगा देखते हैं, है ना? इसको भी समझ लेते हैं, ये प्लस एंड माइनस एंड, स्विच ऑन, स्विच ऑन। अच्छा, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर जाएंगे, नॉर्थ टू साउथ, क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि स्प्लिट रिंग नहीं यूज किए, हमको समझना है स्प्लिट रिंग का क्या एडवांटेज है। हमने स्प्लिट रिंग नहीं यूज किया, ये पूरा आर्मेचर लिया, डायरेक्टली इस वायर से अटैच कर दिया। अब जैसा मूवमेंट यहाँ हो रहा था, ये पार्ट, ये वाला ए बी हिस्सा, ए बी सी डी, ये सी है, ये डी है, ठीक है? ए बी सी डी, ए बी पार्ट में करंट ऊपर की तरफ जाएगा, प्लस एंड ऐसे है ये नीचे। अब उसके आधार पे ये जो हिस्सा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर लगाएंगे तो ए बी हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा, है ना? जैसे ये मेरा ए बी हिस्सा नीचे गया तो सी डी हिस्सा ऊपर आ गया और ये हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा। मोमेंट तो होगा सिमिलर जैसे इसमें हो रहा है, लेकिन जब ये ऐसे घूमेगा तो ये वाला हिस्सा, इसमें यहाँ के वायर भी एक दूसरे में उलझ जाएंगे, है ना? क्योंकि डायरेक्टली वायर से कनेक्ट है, तो जब ये इतना, ये पूरा आर्मेचर घूमेगा, जैसे घूमेगा वायर एक दूसरे से उलझ जाएंगे और सारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है वायर के अटैच वगैरह होने से, है ना? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल अटैच हो गए हैं एक ही साथ, एक ही पॉइंट पे, तो वहाँ करंट सही से फ्लो नहीं पाएगा और हमारा मोटर खराब हो जाएगा, समझ रहे बात? तो यहाँ पे तार का या वायर का उलझने का केस रहता है। इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्प्लिट रिंग का। स्प्लिट रिंग क्या करेगा, पूरे इस आर्मेचर के साथ जुड़ा रहेगा और ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है? घूमता रहेगा और स्प्लिट रिंग डायरेक्टली वायर से कनेक्ट नहीं रहता है, हमारे वायर जो होता है यहाँ पर, यहाँ पहले हमारा स्प्लिट रिंग होगा, दोनों अलग अलग वायर से आधा आधा हिस्सा उस रिंग का जुड़ा रहेगा, और इस वायर से जो सर्किट का वायर है यहाँ पे कार्बन ब्रश रहेगा दोनों तरफ, ठीक है? ये कार्बन ब्रश हमारे इस वायर से जुड़ा है, इस स्प्लिट रिंग से अटैच नहीं है फिक्स रूप से, केवल उससे टच होता रहेगा, ताकि ये जब स्प्लिट रिंग ऐसे घूमेगा तो ये लगातार कॉन्टेक्ट में बना रहे और सर्किट कंप्लीट रहे, ठीक है? तो वायर आपस में उलझ ना जाए और करंट का पाथवे भी कंप्लीट होता रहे, सर्किट क्लोज रहे, करंट फ्लो होता रहे, इसलिए हम लोग स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और कंटिन्यूटी बनाने के लिए ब्रश होता है, क्योंकि ब्रश अगर नहीं रहेगा तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट रिंग में हमको वायर जोड़ना पड़ेगा,
और स्प्लिट रिंग में वायर जुड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर वही घूमेगा तो वायर में उस पर उलझने लगेगा, ऐसे ऐसे उलझ जाएगा, है ना। तो इसलिए इस पूरे आर्मेचर को एक शेप दे दिया गया है और ये सर्कुलर शेप आधे रिंग का इस तरह दे दिया गया है कि घूमता भी रहे और ब्रश के टच में भी रहे लगातार, और ब्रश जो है आसानी से करंट को फ्लो करने में हेल्प करता रहे। क्लियर। चलिए तो ये इसका फंक्शनिंग है, इस तरह से मोटर घूमता है हमारा, ठीक है। ये हो गया, एक बार फिर से इसको मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके वर्किंग को हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्विक रिवीजन। ये सारा सेटअप लगा दिया, सब कुछ रेक्टेंगुलर वायर जिसको आर्मेचर बोलते हैं, ये स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग से हमारा ये रेक्टेंगुलर वायर या आर्मेचर जुड़ा है फिक्स रूप से, एकदम फिक्स है उसके साथ। और हमारा जो दो कार्बन ब्रश है B1 B2, ये हमारे नीचे का वायर सर्किट से जुड़ा हुआ है। क्लियर, ये पूरा सर्किट ही है। अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा, करंट ऊपर जाएगा। इस एंड पे इस आर्मेचर के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो सीधे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ये करंट ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब मैच कराते जाएंगे, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, सही है, करंट का डायरेक्शन ऊपर सही है, थंब मेरा अंदर जा रहा है किधर, इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ इंडिकेट हो रहा है, अंदर की तरफ इंडिकेट हो रहा है, यानी ये हिस्सा ए बी वाला हिस्सा नीचे जाएगा। मान लीजिए ए बी हिस्सा है तो ये नीचे जाएगा, जब ये नीचे जाएगा हिस्सा, इधर देखते हैं फ्लेमिंग का रूल इस साइड में भी लगा देते हैं, इस साइड में लगाएंगे तो करंट नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और थंब हमारा बाहर की तरफ है। अब बाहर की तरफ है यानी कि ये हिस्सा ऊपर आएगा, जाहिर सी बात है कि जब कोई एक हिस्सा नीचे जाता है तो दूसरा हिस्सा ऊपर, है ना। जैसे ये है, ये हमारा ए बी हो गया, ये हमारा सी डी हो गया, तो ए बी नीचे गया तो सी डी ऊपर आया, फिर सी डी नीचे गया तो ए बी ऊपर आया, इस तरह से होता रहता है ये रोटेशन। अब यहाँ से ये पूरा स्लिट रिंग लेकर के घूम रहा है, ठीक है। अब स्लिट रिंग आसानी से घूम पा रहा है, तार भी नहीं उलझ रहा है, जो वायर है यहाँ के सर्किट के वो उलझ नहीं रहे, और करंट भी फ्लो हो रहा है। कैसे हो पा रहा है, क्योंकि स्लिट रिंग से, ये जो स्प्लिट रिंग है यहाँ से दोनों एंड में कार्बन ब्रश एकदम ब्रश की तरह अटैच है। हमारा मान लीजिए ब्रश है, जैसे टूथब्रश होता है, तो टूथब्रश की तरह महीन फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का बना हुआ, दोनों एंड पे लगा हुआ है ना, और वो वायर से कनेक्टेड है नीचे वाले, स्प्लिट रिंग के बस कॉन्टेक्ट में है। तो स्प्लिट रिंग इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, ऐसे घूमता रहेगा लगातार, और उसके साथ ही हमारा आर्मेचर भी घूमता रहेगा, और ये लगातार कांटेक्ट में रहेगा, टच होता रहेगा उससे, ठीक है, टच होता रहेगा और करंट फ्लो होता रहेगा। क्योंकि अगर टच ये नहीं होगा हमारा ब्रश, तो कंटिन्यूटी नहीं बनेगा, करंट का फ्लो का रास्ता नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे कांटेक्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारा ब्रश, कार्बन ब्रश जिसको बोलते हैं, है ना। ओके, अच्छा, अब वर्किंग में हम लोग थोड़ा सा डिटेल इसको करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तो उसके वर्किंग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ओके, फिलहाल इतना समझ लीजिए, आई होप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में वर्किंग ऑफ मोटर हम लोग छोटे वीडियो से कंप्लीट कर लेंगे।